जेसीबी टायर एक्वेरियम। रमेश नाम का एक आदमी था जिसका जेसीबी देने का काम था, पर उसका दोस्त सुरेश, जिसके पास भी एक जेसीबी था, वो हमेशा उसके काम से बहुत जलता था। कुछ ना कुछ बहाना बना के वो उसका काम खराब कर देता था। कभी टायर पंचर कर देता था तो कभी जेसीबी के कुछ पार्ट को खराब कर देता था। इसकी वजह से रमेश बहुत परेशान होता था। फिर सारे लोग रमेश को काम देने आते तो वो सुरेश के पास चले जाते थे। एक दिन जेसीबी का टायर पंक्चर देखकर वो बहुत दुखी और परेशान हो गया, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले टायर को बदला था। अरे ये क्या, वापस टायर खराब हो गया? मैंने अभी तो टायर में हवा भरी थी, तो अचानक टायर कैसे पंक्चर हो गया? और वैसे भी रोज रोज इस चक्कर से परेशान हो गया हूं मैं। कुछ ऐसा करता हूं जिसे देख मुझे बहुत खुशी हो और औरों को भी, लेकिन क्या कर सकता हूं। थककर रमेश अपने घर के ओर जाता रहता है। इधर उधर सब जगह वो देख रहा था, तभी उसकी नजर फिश टैंक पर पड़ती है और उसे एक आइडिया क्लिक होता है। वो घर पहुंचकर इस आइडिया को अपनी बीवी को बताता है। सुनीता, ओ सुनीता, जरा जल्दी आना, बहुत अच्छी खबर सुनानी है। आती हूँ, आपके लिए पानी तो ले आओ। अब बोलो जी, क्या खबर सुनानी है आपको जिसके लिए इतने भागते हुए आए हैं? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जेसीबी टायर एक्वेरियम बनाऊ, कैसा होगा ये आइडिया? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? जेसीबी का मस्त काम चालू है ना, तो फिर ये अजीबोगरीब आइडिया कैसी आई? अरे सुनीता, काम के बारे में तो पूछ ही मत। रमेश उसे सारी बातें बताता है। उसे सुनकर सुनीता भी हैरान हो जाती है और रमेश से सवाल पूछती है। मगर आपका एक्वेरियम देखने आएगा कौन? सब हंसेंगे आप पर। नहीं नहीं, कोई नहीं हंसेगा। जरा सोचो, जब ऐसे बहुत सारे जेसीबी टायर में सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फिश तैरेगी, गांव वालों के लिए ये नजारा क्या होगा? मगर वो सब टैंक टायर में फिट करना, वो सब कैसे होगा? मैंने मेरे एक दोस्त को बुलाया है जो एक एक्सपर्ट एक्वेरिस्ट है, जो मुझे बताएगा कैसे वो इन फिश को टैंक में फिट कराएगा। ठीक है ना? ठीक है। दूसरे ही दिन रमेश अपने एक्वेरियस फ्रेंड को फोन करता है। वो दोनों मिलते हैं और फिश एक्वेरियम कैसे और कहां बनाया जाए उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। रमेश उस पर अपना काम शुरू कर देता है। एक अच्छे से जगह देखकर वहां ये इनोवेटिव आइडिया वाला एक्वेरियम खोलने का सोचता है। पहले तो सारे गांव वाले उस पर हंसते हैं, पर जैसे ही उस जेसीबी टायर एक्वेरियम को बनता देखते हैं तो सबसे ज्यादा उत्साही छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक एक करके रमेश सारी चीजों को जोड़ता है, फिश टैंक्स, जेसीबी टायर्स, टिकट विंडो, एंट्री एग्जिट पॉइंट, सब कुछ तय होता है। और जेसीबी टायर एक्वेरियम खोलने का मुहूर्त आता है और कमाल की भीड़ भी उमड़ पड़ती है। वाह वाह, देखो तो कितने सारे लोग हैं, बच्चों का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। सच्ची अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब बातें कम करते हैं और काम पे लग जाते हैं। तुम सबको टिकट्स बेचना और मैं लोगों को अंदर टायर एक्वेरियम में फिशेस से मिलवाता हूँ। आओ बच्चों, तुम्हारा हमारे गांव के सबसे पहले जेसीबी टायर एक्वेरियम में स्वागत है। ये देखो, इस फिश का नाम गोल्ड फिश, ये है एंजल फिश, ये है ब्लैक फैंटम, कैट फिश, ऐसी बहुत सारी फिशेस है। और इस टायर के लुक कितना अलग है ना बच्चों, पसंद आया? सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, मस्त है अंकल। इस तरह वो जेसीबी टायर एक्वेरियम गांव में ही फेमस नहीं होता, बल्कि गांव के आसपास वाले भी एक्वेरियम देखने आने लगते हैं। दिन ब दिन गांव में भीड़ उमड़ रही थी। फेमस होते ही उस चौक का नाम भी जेसीबी एक्वेरियम चौक पड़ा। जेसीबी के और टायर आने लगे और फिश टैंक्स बनने लगे। रमेश उस दिन से अपने फिश के साथ बहुत ही बिजी हो गया।
गांव वालों ने भी उसका सत्कार किया। बच्चों का तो हर संडे का प्रोग्राम बन गया।